दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर किसी भी तरीके का सामान मंगाते हैं, तो फिलहाल दीपावली का टाइम चल रहा है, तो काफ़ी परसेंट सभी सामान पर डिस्काउंट चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हमें 2-3 दिन पहले एक कॉल आया था। कॉल पर हमारी क्या क्या बात होती है और क्या इसमें दूसरी साइड से, हम सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ़ोन पर एक लड़की पहली तरफ से बात करती है कि आप क्या जियो का नंबर इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि मैं उसमें जियो का नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बावजूद और उसने बताया कि आपको हमारे एक लकी नंबरों में से सेलेक्ट किया है, तो उसमें हमें आपको एक फ़ोन देना है। तो फ़ोन में उसने काफ़ी सारा डिस्काउंट बताया था और मैं आपको फोन जो मोबाइल नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूँगा। तो डिस्काउंट कितना है कि यानी कि हमारा जो मोबाइल है वो सैमसंग का 13, तो M13 है शायद उसका, लगभग अगर हम फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर प्राइस देखें तो 13 से 14 हज़ार रुपये के समथिंग में उसका प्राइस है, जिसकी 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल है और कलर उसमें ब्लू बताया। तो वो हमें उस लड़की ने बताया कि वो फ़ोन हमें सिर्फ 4 हज़ार रुपये में देने वाले हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या इसकी प्रोसेस रहती है कि हमें जैसे मोबाइल मिल जाए, तो उसने बताया कि जब हम यहाँ से डिलीवर करेंगे तो हम आपको जो फ़ोन है वो पोस्ट द्वारा भेजेंगे। तो पोस्ट द्वारा जो डाकिया वो हमारा फ़ोन को लेकर आएगा, तो हमें वो अनबॉक्स करने से पहले हमें वो फ़ोन का पेमेंट करना होगा जो कि 4 हज़ार रुपये। तो उस पर उसके बाद में उसका सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट होने के बाद फिर उसने कहा कि मैं आपको, उसने नाम पूछा, नाम हालांकि मैंने उसमें गलत बताया कि मेरा रियल नाम, वो मैंने उसमें नहीं बताया। उसके बाद एड्रेस पूछा, तो एड्रेस पूछने के बाद उसने बताया कि हमारा जो हम यहाँ से पैकिंग करेंगे तो जो भी बिलिंग है वो आपके नाम पर बिल काट दिया जाएगा, तो आपको हम कॉल कर हमारा यहाँ अधिकारी बताएगा कि इस नंबर पर नंबर दे दिया जाएगा और आपको किस एड्रेस पर वो मंगाना है वो एड्रेस वहाँ में लिख दिया जाएगा, तो कॉल आ जाएगी। तो नेक्स्ट डे देखता हूँ कि यानी कि कल की तारीख को मेरे पास एक कॉल आती है एक बंदे की, उस पर भी लड़की ही बोल रही थी कि उसका, तुम्हारा नाम राजू कुमार है, उनके ऐसे राजू कुमार, जबकि मेरा नाम राजू कुमार नहीं है, मैंने उसको गलत नाम बताया था। उसके बावजूद उसने एड्रेस कंफर्म कराया। एड्रेस कंफर्म कराने के बाद उसने कहा कि जो हमारा फ़ोन है वो आपको दीपावली के बाद 8 से 10 दिन में मिल जाएगा, आपका जो फ़ोन है वो पोस्ट द्वारा डिलीवर हो जाएगा, तो डाकिया पोस्टमैन वो लेकर आएगा। तो उसके बाद सर मैंने एक कन्फ्यूजन सोची कि अगर हमारा डिलीवरी बॉय आता तो उसमें हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो डिलीवरी बॉय उनको जाने नहीं देते कि अगर हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो सही है तो हम उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं है तो फिर डिलीवरी बॉय की भी इसमें कुछ गलती नहीं रहती। लेकिन मैं हाल ही में इंटरनेट पर देख रहा हूँ कि बहुत से डिलीवरी बॉय ऐसे हैं कि बीच में कुछ गड़बड़ घोटाला या फिर पैकिंग अनबॉक्सिंग पहले से कर देते हैं। तो मेरे मन ही मन में इस तरीके का सवाल सूझा, तो मैंने उस पर फिर दोबारा से रिटर्न कॉल किया। जबकि अगर किसी भी कंपनी का फ़ोन आता है तो रिटर्न कॉल करते हैं तो वो कंपनी का नंबर दोबारा से नहीं लगता, तो नंबर लग गया पल्ली दूसरी तरफ से बात होती है कि बताइए मैं आपको क्या सहायता करता हूँ, क्या राजकुमार बोल रहे हैं, क्या बात है। तो मैंने उसको बताया कि अगर मान लीजिए कि आप ये जो हमारा फ़ोन है ये डिलीवरी बॉय लेकर आएगा, ये पोस्ट द्वारा हमें परचेज होगा, तो उन्होंने कहा कि आपको पोस्ट द्वारा परचेज होगा, उसके बाद आपको 4 हज़ार रुपये की पेमेंट करनी है और उसके बाद आपको फ़ोन मिल जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मान लीजिए अगर प्रोडक्ट में कोई भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है हम उस पर कंप्लेंट क्यों करेंगे। तो हाल ही में उसने थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी कमी नहीं है, 3-3 जगह से ये चेक होकर आता है। मैंने फिर भी बात को दोहराते हुए या फिर 2-3 बार मैंने पूछा अगर प्रॉब्लम आ जाती बाय चांस, तो उसने कहा हम आपको कंपनी हमारी जो कंपनी वो प्रोडक्ट की वो कस्टमर नंबर आपको प्रोवाइड करेगी, उसके बाद आप वहाँ से देख सकते हैं। हेलो, नमस्कार सर जी, मैं रिया शर्मा बात कर रही हूँ सर जी, सैमसंग मोबाइल कंपनी से जी। सर जी जानकारी देने के लिए ना कॉल किया गया है, आपके नंबर जियो का नंबर यूज कर रहे हो ना सर जी आप जी।
सर जी, वो नंबर आज के दिन हमारी कंपनी में ना डिस्काउंट ऑफर के लिए सिलेक्ट किया गया है सर। डिस्काउंट ऑफर में ना आपको एक मोबाइल फोन दिया जा रहा है सर जी, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी F22। मार्केट में वैल्यू सर जी 13,000 से 14,000 का है। 4,000 रुपए में आपको प्रोवाइड हो रहा है बिल वारंटी कार्ड के साथ। तो आप ये मोबाइल फोन सर जी 4,000 रुपए में आप लेना चाहते हो? क्या प्रोसेस रहेगी लेने की? सर जी फोन लेने के लिए देखिए मैं आपको बता देती हूँ, अभी आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट आपको सर जी तभी करनी है जब ये आपके नजदीकी डाकघर में यानी पोस्ट ऑफिस में जब पार्सल पहुंच जाता है। तो आप पोस्टमैन को 4,000 की पेमेंट करके अपना पार्सल आप रिसीव कर लोगे या नहीं कर पाओगे? जी पोस्टमैन को 4,000 की पेमेंट करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी ना सर जी? नहीं कोई परेशानी नहीं है जी। कलर इसमें सर जी आपको ना दो अवेलेबल है, ब्लैक कलर है ब्लू कलर है, कौन सा आप लेना चाहोगे? ब्लू। ब्लू कलर में सर जी किसके नाम से बुकिंग कराना है नाम बताइए। राजू। हाँ जी राजू नाम से कर देना। राजू जी। राजू जी सर नेम क्या लगाते हैं नाम के पीछे? राजू कुमार। राजू कुमार। एरिया पिन कोड क्या लगता है आपका? 2815-02। 2815-09। दो दो। अच्छा ये मथुरा से बात कर रहे हो सर जी आप? जी। मथुरा में पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है आपका? सार। सार जी। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ सार। अच्छा सार। सार में ये बताइए आप गांव में रहते हैं शहर है कस्बा सिटी क्या लगता है आपका? कस्बा। कस्बा आपका सहार है जी। ओके नियर लोकेशन क्या लगता है आपका, कोई मंदिर मस्जिद बैंक होटल स्कूल? मैम चौराहे मानो। कौन सा चौराहा? सवाल चौराहा। समाल चौराहा जी मैम। समाल चौराहा। ओके इस नंबर के अलावा सर जी कोई दूसरा मोबाइल नंबर यूज करते हैं आप? नहीं एक ही नंबर है। ठीक है सर जी देखिए बताना चाहूंगी, मोबाइल फोन आपका यहाँ से ब्लू कलर में बुक हो गया है। कल की डेट में आपके पास मैडम का कॉल आता है बिल वारंटी कार्ड बनाने के लिए, तो सर जी वो कॉल ना आप जरूर रिसीव कर लीजिएगा। और ये मेरा नंबर है रिया शर्मा के नाम से सेव कर लीजिएगा। कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो मुझे 10 से 5 बजे मंडे से सैटरडे इसी नंबर पे कॉल करके फोन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है सर जी। तो मैम डिस्काउंट किस वजह से दिया जा रहा है? मैम जी दिवाली ऑफर पे डिस्काउंट दिया जा रहा है फोन की मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है सर जी। रैम रोम कितनी रहेगी इसमें? 1 GB रैम है, 128 GB इसका इंटरनल स्टोरेज है, 6.5 इंच का डिस्प्ले है, 6000 बैटरी बैकअप है, फेस लॉक है इसका, साइड में फिंगर लॉक है, इसके बैक पे 4 कैमरे हैं, फ्रंट पे 1 कैमरा है। ठीक है सर जी। रैम कितने बता रहे मैम? 6 GB रैम। 6 GB। ओके ठीक है सर। थैंक यू हैव अ नाइस डे सर जी। हेलो सर नमस्कार, राजू कुमार जी से बात हो रही है? जी जी बोलिए क्या बात है? आपने कल कंपनी में मोबाइल फोन के लिए नाम एड्रेस नोट करवाया था? जी जी। तो सर मैं बताना चाहूंगी आपका जो मोबाइल फोन है यहाँ से डिस्पैच किया जा रहा है आपके नजदीकी डाक खाने में आएगा 8 से 10 दिन में। जैसे ही आता है हमारे अधिकारी आपको कॉल करेंगे, जब आप डाक खाने जाएंगे जो आपके एरिया का डाकिया होगा वो आपसे 4,000 की कैश पेमेंट लेगा, रजिस्टर पे साइन करवाएगा और आपके हाथ में एंटीन मोबाइल फोन दे देगा। ओके। पर बिना पेमेंट दिए डाकिया आपको चेक करने की अनुमति नहीं देता है। तो डाकिया को पहले 4,000 की कैश पेमेंट देकर पार्सल रिसीव करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आएगी? नहीं कोई परेशानी नहीं है। ओके तो अपना नाम एड्रेस कंफर्म करवा दीजिए। राजू कुमार आपका नाम है जी। हाँ जी जी मैम। कस्बा आपका? सार। नियर बाय में समाल चौराया है जी मैम। खाना क्या लगता है? खाना गोवर्धन है। गोवर्धन जी। पिन कोड है 2815-02। सार पोस्ट ऑफिस लगता है मथुरा जिला है, ब्लू कलर का फोन है। ओके
ठीक है सर, तो मैं आज से डिस्पैच कर रही, जैसे पहुंच जाएगा कॉल आ जाएगी, कोई भी जानकारी दे तो कॉल कर लीजिएगा, कनक शर्मा नाम है मेरा। अच्छा तो कब डिलीवर हो जाएगा मैम? ये दिवाली के बाद आएगा सर। अच्छा दिवाली के बाद आएगा। हाँ जी। ओके मैम, ठीक है सर, कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉल कर लीजिएगा, कनक शर्मा नाम है मेरा। ठीक है मैम, ओके।